हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। इस फिल्म की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, चीच और चोंग। इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है आइसक्रीम सेल करने का। इन्होंने एक ट्रक खरीदा है, उसमें आइसक्रीम बेचते हैं, पर आइसक्रीम का धंधा घंटा चल रहा है। भला आइसक्रीम से कितने पैसे बना पाएंगे, इसलिए इन्होंने चालाकी की है। आइसक्रीम के साथ साथ ये गांजे का भी धंधा करते हैं, यानी ये छिपते छिपाते गांजा बेचते हैं। इन्होंने अपने इस बिजनेस का नाम दिया है हैप्पी हर्ब्स नाइस ट्री। गांजा चुराने के लिए भी इन्होंने एक अलग ही तरीका निकाला है। इनका एक और वियर्ड सा दोस्त है जिमी। जिमी गांजे की खेती करता है। ये दोनों उस खेती से गांजा चुराते हैं और फिर इसे मार्केट में बेच देते हैं। इस तरह धीरे धीरे ये दोनों काफ़ी अमीर हो गए हैं। अभी हाल ही में इन्होंने आइलैंड खरीदा है। इस आइलैंड पर ये गिटार बजाते हैं, मस्ती करते हैं, अलग अलग लड़कियों के साथ संभोग करते हैं और अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। पर इनके रंग में भंग डलने वाला है। एक बार ये दोनों चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं, यहाँ पर एक एजेंट आकर इन्हें परेशान करना शुरू करती है। इसके बाद चोंग की गर्लफ्रेंड यहाँ पहुँची है, डोना। चारों टेबल के नीचे जाकर गांजा लेते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं। डोना जब काफ़ी नशे में है तब चोंग उसे उसके ट्रक में ले जाता है। चोंग यहाँ डोना को निर्वस्त्र करना शुरू करता है। वो उसके ब्रा को उतार नहीं पा रहा। उसके अथक प्रयासों के बाद फाइनली वो सक्सीड कर पाया है। इसके बाद दोनों यहाँ पर धुआंधार संभोग करना शुरू करते हैं। पुलिस आती है। पुलिस दूर से देखती है कि ये ट्रक तो काफ़ी हिल रही है। इस डांसिंग ट्रक को देखते हुए दोनों उसकी तरफ जाते हैं। इतने में चीज पहुँचा है अपने ट्रक में। पुलिस को खबर लग गई है कि दोनों ही ड्रग का धंधा करते हैं, पर पुलिस इतनी आलसी है कि वो इन दोनों को छोड़ देती है। कुछ समय के बाद चीच और चोंग ने डोना के साथ एक साथ संभोग करने की प्लानिंग की है। ये होटल में जाते हैं। होटल के रूम में डोना चीच और चोंग दोनों के साथ धुआंधार संभोग कर रही है। इस कहानी में प्रवेश हुआ है डोना के हस्बैंड एनिमल का। एनिमल आज ही जेल से छूटा है। वो अब डोना के होटल की तरफ बढ़ा जा रहा है। चोंग इतने में बर्फ लाने जाता है। चीच खिड़की पर किसी के आने की आड़ सुनता है, वो छिप जाता है। जब एनिमल अपनी वाइफ को बेड पर देखता है तब उसके अंदर काम वासना जागती है। दोनों यहाँ पर पलंग तोड़ संभोग करते हैं। चोंग इतने में बेड के नीचे आकर छुपा हुआ है। ये पलंग तोड़ संभोग इतना भयानक है कि चोंग उस बेड के नीचे दबा जा रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। इधर एनिमल और डोना संभोग करने के बाद सो जाते हैं। चीच वापस होटल की तरफ आता है। वो नग्न अवस्था में इधर से उधर भागता है। एक बार तो लिफ्ट में भी चढ़ता है और ऊपर से नीचे जाता रहता है। वो सिर्फ अपने आप को एनिमल की नज़रों से बचाना चाहता है। समहाउ वो अपने आप को बचाकर रूम में वापस आता है और अपने कपड़े लेकर यहाँ से चला जाता है। चीज़ को पता चला कि उनके पैसे चोंग ने हावी को दे दिए हैं। अभी हावी से पैसे रिकवर करने गए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। चीज़ को वो पेशेंट समझ लेते हैं जबकि चोंग को डॉक्टर। चीज़ को इन्होंने एक रूम में लॉक कर दिया है जबकि चोंग को प्रिस्क्रिप्शन का हेड बनाया गया है। चोंग की मुलाकात यहाँ एक डॉक्टर से होती है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक LSD है जो कि द की टू द यूनिवर्स है। चोंग और चीच इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। चोंग तो इसे लेने के बाद बेहोश हो जाता है जबकि चीच एक ट्रिप पर निकला है इसे लेने के बाद। अगली सुबह जब वो ट्रिप से लौटा है तब उसका सामना हुआ है हेड नर्स से। हेड नर्स उसे जगाती है। पहले तो उसे ताज्जुब हुआ है चीच और चोंग को देखकर, पर इनकी बातों से फिगर आउट कर लेती है कि क्या गड़बड़ हुई है। वो जान गई है कि ये दोनों ना तो पेशेंट है और ना ही डॉक्टर। इस तरह उसने हावी से इनके पैसे दिला दिए हैं और इन दोनों को फ्री कर दिया गया है। पुलिस वालों को तो हावी और हेड नर्स ही कल्प्रिट लग रही है, इसलिए उन्होंने इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया है। चीच और चोंग अभी भी पुलिस की नज़रों से बचे हुए हैं। इन दोनों के दोस्त जिमी के गांजे की खेती का पता पुलिस को चल गया है। इस तरह ये सारा खुलासा हो गया है और ये खेती अब बंद हो गई है। चीच और चोंग के पास अब बेचने को कुछ भी नहीं है, लिहाजा इन्होंने नया काम शुरू किया है और वो है मेल स्ट्रिपर का। मेल स्ट्रिपिंग का ये धंधा ये क्लब पैराडाइज में करते हैं। यहाँ इनको द सन किंग्स कहा जाता है। इन्हें नया नाम मिला है मावी और वावी। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।